वेलकम बैक एंड देखो रजिस्ट्रेशन NIT जलंधर की स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आज से स्टार्ट हो गई थी, तो बस एक किसी का एक डिटेल कंफर्म करके देन ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा एंड जिन भी स्टूडेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन रह गया है, सो सिंपली जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बताऊँगा, ठीक है। सिंपली आपको NIT जलंधर के वेबसाइट पर लॉगिन करना है एंड रजिस्ट्रेशन करना है, बाद उसमें सबमिट करना है, बाद में जो भी डिटेल्स बोली गई है वो आपको फिल करके सेव कर देनी है एंड उसके बाद आपके एक फ़ोटो सेव करनी है। फ़ोटो देख लेना 100 KB से नीचे होनी चाहिए, बाकी तुम्हें वहाँ पे साइज़ का मेंशन किया होगा। एंड दूसरी चीज़ है, बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं उसमें है आपका JEE स्कोर कार्ड एंड प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो CSAP या JOSA के जो भी तुम्हारा फाइनल वो सीट लेटर है उसको सबमिट करना है। एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट्स, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स, बाय पेरेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एंड बाकी जो है ये, बाकी अगर तुम्हारी फ़ीस है, इफ़ अगर तुम्हें बैलेंस अगर फी तुम्हें पे करनी पड़ेगी, लाइक जैसे किसी का स्टूडेंट का मोर देन 5 लाख से ऊपर है तो उसे थोड़ी कुछ बैलेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ पे शो अगर नील होगा, अगर नील हो गया तो आपके पेमेंट नहीं करनी होगी। बाकी जिनका लेस देन से 1 लाख लेस देन से और 1 लाख 5 लाख के बीच में है, उनके हिसाब से उनका फ़ीस कट जाएगी, बाकी रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। टाइम कुछ टाइम के बाद तुम्हारी रिफ़ंड हो जाएगी। एंड दूसरी चीज़ है, उसके बाद तुम्हें सारे सेव करनी है। एंड एक तुम्हारा कमेंट आ रहा था कि NSO या NSS में, इन तीनों में से क्या भरे, तो देखो यार इन तीनों में से कोई भी भर सकते हैं। अगर तुम्हारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो NSO पहले भर सकते हो, अगर तुम NCC जाना चाहते हो, आर्मी या कुछ डिसिप्लिन कुछ यूनिटी सीखना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं भी NCC का एक कैडेट हूँ, सो मैं NCC में ही हूँ, अगर तुम्हें NCC में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो तुम NCC पहले भर सकते हो। बाकी यार इन सब का ना इंडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तुम्हारे जैसे NCC के लिए तुम्हें दोबारा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो NSO में स्पोर्ट्स होती है, NSO में तुम्हें कुछ यहाँ पे सोसाइटी वगैरह जो भी एक कैंप लगाया जाता है, जैसे मेडिकल कैंप हो गया, किसी ट्री लगानी है, तो ये NSS का काम है, ठीक है। तो तुम इन तीनों में से कोई भी भर सकते हो। यहाँ पे इंडक्शन होते, दोबारा सिलेक्शन हो जाती है, इंटरचेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ भर दिया, अगर कुछ लेना, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो इन तीनों में से कुछ भी भर सकते हो। एंड इस सबको करने के बाद तुम्हें सबमिट कर देना है। एंड जो तुम्हारा मेस फीस है NIT जलंधर का 35,000 रुपये, को तुम्हें हॉस्टल फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ही देना है। सो ऑनलाइन में जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो तब नहीं सबमिट करनी पड़ेगी, सो वो यहाँ पे आके कर सकते हो। बाकी एक बार तुम सबमिट कर दोगे, उसके बाद तुम्हारा एक कुछ देर के बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट सभी जब वो वेरीफाइड हो जाएंगे, कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा, जहाँ पे वहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है NIT जलंधर का, वो आ गया, देन तुम फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जिसका कन्फर्म होते जा रहा है, जैसे जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कन्फर्म हो गया, वो आके NIT जलंधर में अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकता है। उनको साथ में कॉलेज हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, मैस भी अलॉट हो जाएगा। तो मैस का जो 35,000 है वो तुम्हें हॉस्टल आने के फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी एंड अभी भी टाइम है, ठीक है, आराम से करो। दूसरी एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम खुद से अगर नहीं हो रहा है तो कैफे जाओ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से स्कैन कॉपी वहाँ पे PDF बना के आराम से प्रॉपर सबमिट करो अगर तुम्हें इशू आ रहा है, ठीक है। और फिर भी कुछ डाउट आता है नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम का लिंक है, तुम वहाँ पर DM कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉपर अच्छे से करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।